उपायुक्त विवेक ठाकुर ने कीरतपुर मनाली फोर लेन परियोजना के तहत मंडी जिले से जुड़े मामलों के समाधान के लिए गठित जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को सड़क पर बने खतरनाक गड्ढों को अगले 4 दिन में भरने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त विवेक ठाकुर ने कीरतपुर मनाली फोर लेन परियोजना के तहत मंडी जिले से जुड़े मामलों के समाधान के लिए गठित जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को सड़क पर बने खतरनाक गड्ढों को अगले 4 दिन में भरने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उपायुक्त सभागार में हुई इस बैठक में जड़ोल सुंदरनगर सड़क में कुछ जगहों पर बने खतरनाक गड्ढों के कारण दो पहिया वाहन चालकों को हो रही दिक्कतों का संज्ञान लेते हुए ये निर्देश दिए। NHAI अधिकारियों को कहा कि फोर लेन के काम में लगी कंपनियों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करें कि फोर लेन परियोजना के पूरे स्ट्रेच पर आबादी वाले इलाकों में नियमित अंतराल पर पर्याप्त मात्रा में पानी का छिड़काव करवाने की उपयुक्त व्यवस्था हो, ताकि लोगों को धूल मिट्टी उड़ने से होने वाली परेशानी से निजात मिल सके। उपायुक्त ने भूमि अधिग्रहण कार्यालय के अधिकारियों व राजस्व अधिकारियों को फोर लेन परियोजना प्रभावितों की जमीन के इंतकाल से जुड़े मामलों को 10 दिनों में निपटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इंतकाल दर्ज करवाने के जो मामले शेष रह गए हैं उन्हें इस अवधि में हर हालत में निपटाएं। ऋत्विक ठाकुर ने संबंधित SDM को अपने क्षेत्र में प्रत्येक फोर लेन परियोजना प्रभावित पंचायत में जाकर स्थानीय प्रधान व अन्य पदाधिकारियों व प्रभावित लोगों से बैठक करने के निर्देश दिए। कहा कि बैठक में परियोजना के तहत वहां पुलिया निर्माण कहां प्रस्तावित है और लोगों की राय में वे कहां बननी चाहिए, इसे लेकर लोगों के सुझाव लें व 15 दिन में रिपोर्ट तैयार कर उन्हें सौंपें। उन्होंने SDM को ये भी निर्देश दिए कि वे संबंधित क्षेत्र में फोर लेन परियोजना के लिए हुई कटिंग के कारण घरों को आने जाने के मार्ग बंद होने के मामलों को लेकर भी अपनी रिपोर्ट सौंपे। स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों का सहयोग लेकर उन सभी प्रभावितों की सूची तैयार करें जिनके घर कटिंग के कारण फोर लेन के लेवल से ऊपर अथवा नीचे रह गए हैं, जिस कारण घरों के आने जाने का मार्ग बंद हो गया है। NHAI ने ऐसे सभी मार्गों को पुनः बहाल करने की बात कही है। बैठक में फोर लेन प्रभावितों की सामूहिक समस्याओं से जुड़े विभिन्न मामलों पर विस्तार से चर्चा के साथ ही समिति की पिछली बैठक के लिए निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की गई। इस दौरान फोर लेन संघर्ष समिति व संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने लोगों की समस्याएं रखी। बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रवण मांटा, SDM बल डॉक्टर आशीष शर्मा, SDM सुंदरनगर राहुल चौहान, NHAI के अधिकारी, फोर लेन संघर्ष समिति के अध्यक्ष ब्रिजेश महंत, फोर लेन संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष जोगिंदर बालिया, समिति के अन्य सदस्य, प्रभावित लोग, NHAI के अधिकारी व परियोजना में कार्यरत कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सरकार द्वारा जो गठित जिला स्तर की फोर लेन संघर्ष समिति के साथ जो एक समिति बनाई गई है, उसकी आज दूसरी बैठक की गई। सरकार के दिशा निर्देशानुसार ये बैठक हर महीने होती है और इसमें जितने भी फोर लेन से प्रभावित लोग हैं उनके इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं, आवश्यक दिशा निर्देश कंपनी को और जो SDM साहिबान है उनको दिए जाते हैं और उसकी मंथली उसकी समीक्षा की जाती है। उसमें देखा जाता है कि पिछले इश्यूज को रिजॉल्व हुआ है। तो आज उस संदर्भ में हमारी दूसरी बैठक थी, अच्छे उसमें डिस्कशंस हुए हैं। पिछले बार जो हमने दिशा निर्देश दिए थे उसमें से काफ़ी इश्यूज जो है वो रिजॉल्व भी हुए, कुछ जगह पर हमारे इश्यूज हमारे सामने भी आए जो हमने मांगे थे कि जहाँ पर कि रोड्स रास्ते जो है लोगों के गाँव के जो छोटे छोटे रास्ते थे वो कट गए थे फोर लेन की कंस्ट्रक्शन की वजह से, या पानी के जो स्रोत है वो सूख गए थे। तो इसकी सूची जो है हमारे पास आई है, साथ में लोगों की ग्रीवेंस थी कि कलवर्ट्स गलत जगह पर बनाए गए हैं,